हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी अभी नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एंटर हुआ हूँ और सबसे पहले आया हूँ बॉयज़ फ्लोर पर। कजाकिस्तान के अंदर जो है और कंट्री कंपेरिजन में बॉयज़ और हॉस्टल्स, गर्ल्स का हॉस्टल तो एक ही है लेकिन अलग अलग फ्लोर पर उनको डिवाइड कर रखा है। बॉयज़ वहाँ पर नहीं जा सकते हैं ना गर्ल्स ऊपर आ सकती हैं। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था उसके बारे में बता चाहता हूँ कि हॉस्टल जो है नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का यूनिटी कॉर्पस के जस्ट सामने है और मैस हॉस्टल से 20 मीटर की दूरी पर है, तो बहुत कंफर्टेबल स्टूडेंट स्टे है। और जैसे ही मैं इस क्वार्टर में एंट्री हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ $500 के अंदर आपको यहाँ पर पूरे साल भर में एक कंफर्टेबल से रेनोवेटेड हॉस्टल मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर हॉस्टल और फूड अकोमोडेशन बहुत सस्ता है कजाकिस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में $450 से लेकर $600 के बीच में आपको ईजिली हॉस्टल मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो है एक पेरेंट्स के बजट के बहुत फ़ायदेमंद डील है कि उनको रेनोवेटेड हॉस्टल के अंदर जो है क्या कहते हैं $500 के अंदर इतना बढ़िया क्वालिटी हॉस्टल मिल रहा है। चलिए आप अभी देखते हैं 2-3 स्टूडेंट्स का रूम, उनकी लिविंग्स देखते हैं, उनके रूम की देखते हैं डिज़ाइन कैसी है, किस तरह का अकोमोडेशन है। चलिए चल के देखते हैं, आइए। रूम भी यहाँ पे बच्चों को रेनोवेट मिले हैं सिर्फ $500 per year आज का जो प्रेजेंट रेट है। फ्यूचर का मुझे पता नहीं है लेकिन $500 मतलब कि $45 या $40 पर मंथ में स्टूडेंट्स को इंडिया से आ रहे हैं ऐसी अकोमोडेशन मिल रही है, तो इससे बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता हॉस्टल है और अंदर से वेल मेंटेन है। इसमें दो लोगों के पार्टीशन है, मैं ऑलरेडी समझ रहा हूँ। पहला पार्टीशन यूनिवर्सिटी जो बना के दिया है और दूसरे उन बच्चों का जिस रूम पर रह रहे हैं इस रूम को साफ रख रहे हैं, तो इनमें दोनों लोगों का कॉपरेशन है। और हमेशा जब दोनों लोगों का कॉपरेशन रहता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का, तब हॉस्टल के रूम, हॉस्टल लिविंग अच्छी बनती है। चलिए आज कुछ बच्चों से बात करते हैं जो नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड या फर्स्ट कोर्स में है अभी। कजाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी में गया हूँ वहाँ पर जिन स्टूडेंट से मैंने बात करी है वहाँ पर मंथली पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूडिंग फूड सब मिलाकर $70 to $100 में इनका हो जाता है। अगर आप वाकई में कुछ और खर्च करना चाहते हैं या और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं या अपने लिए हर महीने गैजेट खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम $150 to $200 है ना बजट बन जाता है ना। चलो बढ़िया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात कर और आप लोगों ने एकदम सच्चाई बताई। बात जो मैं सुबह से यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, उस चीज़ को मैंने आपसे क्रॉस चेक किया, सब बढ़िया है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ब्लॉगर टॉयलेट को उसकी खुशबू या स्मेल के, उसकी बदबू या स्मेल के कारण उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उस ब्लॉगर से नहीं हूँ। मेरे लिए हर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के टॉयलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जान चाहता हूँ कि वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए कैसी है। तो इस समय यहाँ पर अपने कपड़े धो सकते हैं और अंदर आएंगे तो यहाँ पर वेल मेंटेन यहाँ पर टॉयलेट्स हैं। अगर देखें तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पर टॉयलेट भी है, वॉश बेसिन भी है और यहाँ पर यूरोपियन सीटिंग के टॉयलेट्स हैं। ऊपर सीट हटा दी क्योंकि हर स्टूडेंट की खुद की पर्सनल सीट होती है जिससे कि वो अपनी सीट ला के यहाँ पर आराम से इजीली बैठ के अपना इंजॉय या अपना जो है जो अपना मेन काम है कर सकता है। ओके, अभी गर्ल्स फ्लोर पे एंटर हुआ और मुझे यहाँ पर हरियाणा से फरीदाबाद की इशिका चंदीला मिली है और ये अभी भी कुछ दिनों पहले आई है फर्स्ट कोर्स में, तो मेरे ख्याल से इनके जो ऑलरेडी इश्यूज तो थे सॉल्व होता है हो गए होंगे। सर इनसे पूछते हैं कि इनके कोई इशू तो नहीं है थे यहाँ पर नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। इशिका आप कहाँ, फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं? कब आई यहाँ पर आप? 18th of October। तो ऑलरेडी 20 दिन यहाँ पर आपको आए हो गए, तो 20 दिन में कैसा लग रहा आपको? ठीक है सर। कंफर्टेबल आती से एडेप्ट हो गई थी? यहाँ की ठंड कैसी लगी? बहुत ज़्यादा। बस ऑब्वियसली इंडिया की ज़्यादा थी लेकिन आपको एडेप्ट हो गई? यहाँ के जो रूम मिले हैं अंदर से सेंट्रल हीटेड है। ठीक है, कितना टेम्परेचर जा चुका अभी तक आपने देखा? -5। ठीक है, मैंने सुबह से यहाँ देखा कि यहाँ पर हॉस्टल, यूनिवर्सिटी कैंपस और मैस सब आसपास है, तो ये चीज़ आपको कहाँ पे कैसी लगी नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में? अच्छी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पास ये सब। पास है ना, ज़्यादा निकलना नहीं पड़ता, तो मतलब आने के साथ साथ आपको यहाँ पे कोई इशू है? नहीं, आते ही आपको खाना मिल गया, पानी मिल गया और हॉस्टल में जगह मिल गई, एडमिशन प्रोसेस हो गया। अगर रूम पे देखें तो अंदर देखें तो इनके राइट हैंड पे आपको वॉश बेसिन मिल जाएगी गर्ल्स के कंफर्ट के लिए। यहाँ पे गर्म ठंडा पानी रूम पर ही है, प्लस इतनी प्यारी कबर्ड है स्टूडेंट्स के लिए, इतने प्यारे बेड बॉक्सेस के साथ हैं, प्लस हर स्टूडेंट के लिए अपनी एक स्टडी टेबल है, अपने साइज की इसमें अपना जो है पर्सनल सामान रख सकते हैं। और हमारे साथ हैं राजस्थान की
क्या नाम है? मैसूर महराज खान। महराज खान है, हाँ सर आपका नाम दे रहे थे। राजस्थान की महराज खान है और सीकर के पास में रहने वाली है। इस समय पेटर पावलो में नॉर्थ कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड कोर्स की स्टूडेंट है ना। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका एक साल का सफ़र यहाँ पे कैसा रहा, इनके शब्द से यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल है, इंडियन स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अपने संग क्या क्या चीज़ें नहीं लाना, नहीं भूलना चाहिए यहाँ लाने के लिए, और क्या क्या चीज़ से के लिए पहले से ही यहाँ पर प्रिपेयर होना चाहिए। उन्हें इंडियन स्पाइसेस ज़रूर लाना चाहिए, जो यहाँ पे इंडियन स्पाइसेस की बहुत कमी है। यहाँ के लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं और हम लोग इंडिया वाले बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो हम लोग को स्पाइसेस लाने